સુરતના ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા યોજવામાં આવેલી રમેશ પ્રધાનનો સમાપન સમારોહ સુરત પોલીસ કમિશનર અજય કુમાર હાજર રહ્યા હતા। આ ઉપરાંત સ્પર્ધામાં સમાપન સમારોહની સાથે એક લોક દરબારનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જેમાં સ્થાનિક લોકોએ પડતી મુશ્કેલી સુરત પોલીસ કમિશનર સમક્ષ રજૂ કરી હતી। સુરત પોલીસ કમિશનર ડિંડોલી રમેશ સ્પર્ધા હાજરી આપી હતી। કમિશનર અજય તોમર સહિત આઈપીએસ ઉષારાડા અને એસીપી જેટી સોનારા હાજર રહ્યા હતા। आ उपरांत डिविजनना अन्य अधिकारीओ पण हाजर रह्या हता। पोलीस प्रशासन साथे स्थानिक कॉर्पोरेटर पण अने कार्यक्रममां हाजरी आपी हती। डिंडोली पोलीसे डिंडोली विस्तारमां केरमनी स्पर्धा योजवामां आवी हती। आ स्पर्धामां समापन प्रसंगे योजायेला कार्यक्रममां केरम रमनार 100 टीमोए पण उपस्थित दर्शावी हती। रमतमां भाग लेनार स्पर्धकोए ट्रॉफी आपी सन्मान करायुं हतुं। आ उपरांत इनाम वितरण साथे जनता दरबारनुं पण आयोजन करवामां आवेलुं हतुं। जनता दरबारमां 150 थी वधु लोको हाजर रह्या हता। जनता दरबार में सूरत पोलीस कमिश्नर अजय कुमार तोमरे पोताना व्यक्तित्वथी लोकोने संबोधन कर्युं हतुं। आ उपरांत लोको साथे तेमना जीवन अंगे चर्चा करी लोकोनो उत्साह વધાર્યો હતો। जनता दरबार में लोकोए पोतानी पड़ती अवगणना पण वर्णवी हती। तो बीजी तरफ डिंडोली सर्वेलन्स स्टाफ माटे एक चौकीनी पण मांगणी करवामां आवी हती। कार्यक्रम में सूरत पोलीस कमिश्नर त्वरित एक्शन लेवा अने एक पीसीआर व्यवस्था तात्कालिक धोरणे करवा हुकम कर्यो हतो। आ उपरांत आ प्रश्ने जरूरी निर्णय लेवा उच्च अधिकारीओए हुकम कर्यो हतो। आज डिंडोली विस्तार में युवा पीढ़ी के सभी लड़के लड़कियों के साथ एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था। कैरम बोर्ड का जो टूर्नामेंट यहाँ चल रहा था, आज उसका फाइनल मैच था। उसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में जवान लड़के लड़कियाँ, इस एरिया के सभी आगेवान, कॉरपोरेटर्स, सभी के साथ इस एरिया के प्रश्नों के बारे में चर्चा हुई। सूरत को शांत शहर बनाने के लिए और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, उसकी भी चर्चा हुई। ख़ास तौर पे जवानों को ये बताया गया कि ज़िंदगी में मेहनत करके ही आप लोग आनंद की ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। क्राइम से दूर रहो, अपनी हैबिट्स ठीक रखें, ड्रग्स की ओर ना जाएं, क्राइम और क्रिमिनलिटी से दूर रहें, और यदि कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो सीधा जाके डिंडोली पुलिस स्टेशन में बात करें, वहाँ से मदद मिलेगी। उसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, एसीपी, डीसीपी साहबान, उन सभी से भी मदद मिलेगी। पुलिस हमेशा प्रजा की सुरक्षा के लिए है और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं थे, सामान्यतः सभी लोग संतुष्ट थे। एक खास विस्तार में चौकी की ज़रूरत होने के बारे में मुझे बताया गया, उसकी हम लोग अभी चकासनी करा लेंगे और यदि उस एरिया में चौकी की ज़रूरत है, चौकी शुरू की जाएगी। तब तक वहाँ पुलिस की हाज़री और पीसीआर एक गाड़ी वहाँ स्थायी रख दी जाएगी।